नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा प्रसाद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसपी मिश्रा। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो ये वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर एक यूट्यूबर नहीं है तो आप ये वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स हम रोज़ लाते रहते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, आप क्या होता है, एक अगर आप एक नया नया यूट्यूबर है, मान लीजिए कि 100 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, और आपके हर एक वीडियो पर 100 से ज़्यादा व्यू आ रहा है, और उसी टाइम पर आपका एक फ्रेंड है जो भी अभी अभी एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ओके, और मान लीजिए कि वो सिर्फ 5 वीडियो बनाया है और उसके जो वीडियो पर व्यू आपसे कम आता है, मतलब आपके एक वीडियो में 100 व्यू आता है तो उसके एक वीडियो में मान लीजिए 30 या 40 व्यू आता है। लेकिन अगर आप दोनों ने ही गूगल एडसेंस के साथ जॉब किए हैं, मतलब अपने चैनल को कनेक्ट किए हैं, तो गूगल एडसेंस क्या है तो आपको पता ही है कि अगर आप एक यूट्यूबर है तो जिसमें से एक एड्स होता है आपके वीडियो पर, और उसका जो है पैसा मिलता है अगर कोई वैलिड क्लिक करता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी वैलिड क्लिक करता है आपको, मतलब आपके कोई वीडियो के ऊपर जो एड्स हो रहा है उसे, तो आपको कितना मिलेगा? ये जो मिलता है ये है 0.01 डॉलर, मतलब बहुत ही कम डॉलर। तो उसी टाइम पर अगर आपके फ्रेंड को भी अगर एक किसी ने अगर उसके ऐड पर क्लिक करता है तो उससे मिलता है 1 डॉलर। आपने वीडियो अपलोड किए है 100 वीडियो उस, और आपके फ्रेंड ने जो वीडियो अपलोड किया है वो सिर्फ 5 या 10 वीडियो, ठीक है, और आपके जो व्यू आता है वो आता है हर एक वीडियो पर 100 से ज़्यादा, और आपका फ्रेंड का जो व्यू आता है वो आता है 100 से कम। लेकिन जब आप मंथली इनकम देखेंगे एडसेंस पे अकाउंट कर जाके, तो आपके जो फ्रेंड है उसका जो CPC, मतलब उसका जो एस्टिमेटेड अर्निंग हो या टोटल अर्निंग हो, वो $100 हो जाएगा, लेकिन आपका जो है 30 से 40 डॉलर ही होगा या उससे भी कम होगा, मतलब 5 या 6 डॉलर ही होगा यार सच में। तो ये कैसा मतलब पॉसिबल है? आपका फ्रेंड ऐसा क्या कर रहा है जिसमें से आपको जो है कम, मतलब इतना ऐड आता है और इतना क्लिक के बाद भी कम पैसा मिलता है, और आपका फ्रेंड को जो है बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका फ्रेंड का जो, मतलब कोई भी एक बंदा आपके फ्रेंड के वीडियो के ऊपर जो एड्स हो रहा है वहाँ पर अगर क्लिक करता है तो आपका फ्रेंड को मिलता है 1 डॉलर, मतलब 1 डॉलर से भी ज़्यादा मिलता है एक क्लिक पर, लेकिन आपको कितना मिलता है? आपको मिलता है 0.01 डॉलर से लेकर 0.05 डॉलर तक। तो इसमें यही जो है डिफरेंस है आपका और आपके फ्रेंड के वीडियो में जो एड्स हो रहा है उसके बीच। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या करें जैसे कम व्यू में भी अगर किसी ने आपके एड पर क्लिक कर दिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकम आ जाए, मतलब आपका जो है अर्निंग जो है वो बढ़ जाए। तो और देर ना करके आइए देखते हैं ये कैसा ट्रिक है और इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले अपना नेट कनेक्शन दे देता हूँ। देखिए, मेरा अभी मैं बाहर हूँ इसीलिए PC में अभी मैं आपको बता नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको एंड्रॉयड पर बता देता हूँ, पर भी कर सकते हैं और एंड्रॉयड पर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले अपना क्रोम जो ब्राउज़र है उसे खोल देना होगा। और ये देखिए मैं खोला, और यहाँ पर यूट्यूब सर्च करने के बाद आपको आपके जो यूट्यूब चैनल पर ले आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा करीब ये वीडियो पर 28 व्यू आया है, क्योंकि मैं कल ही ये इसे मतलब अपलोड किया हूँ और मैं एक नया यूट्यूबर हूँ इसीलिए मेरा जो वीडियो पर इतना कम व्यू आता है, लेकिन जो अर्निंग होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, और आपने एक पुराना यूट्यूबर है आपके वीडियो पर 100 व्यू आता है तो अर्निंग जो है मेरे से कम आता है, तो ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का राज क्या होता है? तो सिंपली इसके पीछे का राज है कि जो है एड, मतलब एड टाइप्स, आप कौन सा एड मतलब आपके वीडियो ऊपर शो हो रहा है और कौन, और जब पीपल उसे क्लिक करते हैं या आपके व्यूअर उसे क्लिक करते हैं तो उसका जो CPC है वो कितना कम है या कितना ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अर्निंग। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मतलब आपको और एक दिखा देता हूँ।
प्रूफ करके। देखिए मैं और एक टैब खोल लिया और यहाँ पर एक वेबसाइट को सर्च करता हूँ जिसका नाम है keywordspy.com। ठीक है, और ये देखिए मैं keywordspy जब सर्च किया तो यहाँ पर इसका सर्च रिजल्ट आया है। मैं पहला रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ और ये देख सकते हैं आप, यह ओपन हो चुका है ये साइट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा, मान लीजिए आप एक इंडियन है, इंडियन यूट्यूबर है, तो आपने क्या साथ कनेक्ट करते हैं या मोनेटाइजेशन को ऑन करते हैं अपने वीडियो के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एड शो होता है वो इंडियन एड से शो होता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए इंडियन एड एक ले लेते हैं कि ज़्यादातर फ्लिपकार्ट शो होता है, तो आप सोचते होंगे कि फ्लिपकार्ट जो है वो बहुत ही बड़ा कंपनी है और उसका जो एड है वो भी इतना बड़ा होगा, जो कि असल में नहीं है। तो यहाँ पर मैं सर्च करके आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए मैं फ्लिपकार्ट को सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो CPC है वो कितना कम है, मतलब हाईएस्ट CPC जो है वो है 0.05 और वो भी 0.01 से स्टार्ट होके। मतलब अगर ऐसा कोई टाइम पर किसी ने आपके वीडियो पर जो एड आता है फ्लिपकार्ट का, अगर उसे क्लिक करेगा तो जाके आपका जो है जो CPC हाईएस्ट 0.05 ही होगा, मतलब 0.01 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं तो 0.05 सेंट ही होगा। ठीक है, तो यह है इंडियन एड। और मान लीजिए उसी प्लेस पर अगर हम कोई भी अगर दूसरे कंट्री का एड लगाएंगे, मान लीजिए एयरटेल, और मैं ऐसे ही सर्च करता हूँ, दूसरे बहुत सारे एड भी है, तो मैं मान लीजिए एयरटेल, तो ये आप देख सकते हैं कि जो CPC का लेवल है वो कितना डिफरेंस है। मतलब वो था फ्लिपकार्ट में था 0.05 का और उसमें जो CPC है वो है $1.13। मतलब एक क्लिक पर आपको कितना मिलेगा, $1। ठीक है, तो उससे मतलब जो अगर फ्लिपकार्ट का एड या कोई भी इंडियन एड आएगा तो कितना मिलेगा, हाईएस्ट 0.05। और अगर कोई अमेरिकन या लंदन का एड आएगा तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा $1। तो ये है डिफरेंस, ये है आपके फ्रेंड जो है कर रहा है और आप नहीं कर रहे हैं। आपके 100 व्यू में जितना इनकम आप नहीं कर पाएंगे, वो आपका जो फ्रेंड है या दूसरे यूट्यूबर्स है वो सिर्फ 1 या 2 व्यू पर ही वो कर पाएंगे। तो ये था एक ऐसा राज जो YouTube का जो डार्क सीक्रेट बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, ओके, अब तो हम प्रूफ देख लिए, तो अब हम देखेंगे कि वो करते कैसे हैं। ठीक है, फिर से हम हमारे YouTube पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं YouTube पर चला गया, मेरा जो चैनल है वहाँ पर चला गया वीडियो मैनेजर के पास, आप भी ऐसा ही करिए। और उसके बाद आप जाइए चैनल पर, यहाँ पर देखिए मैं चैनल पर गया। चैनल पर जाने के बाद इसे मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका भी बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि स्टेटस एंड फीचर्स, मोनेटाइजेशन, अपलोड डिफॉल्ट्स, फीचर कंटेंट, ब्रांडिंग, एडवांस्ड। तो मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें जो एड शो करना है वो $1 से ज़्यादा हो, ये वाला एड शो करना है। ठीक है, मतलब 0.01 से तो बेहतर ही होगा, अगर $1 भी नहीं होगा तो तकरीबन 0.50 तो होगा ही। ठीक है, तो वहीं से हमें क्या करना है, जो अपलोड डिफॉल्ट का जो आइकन है वहाँ पर टैप करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड डिफॉल्ट जो मैं टैप किया तो वहाँ पर कुछ इस तरह का पेज निकल के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे भी थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से दिखाई दे, क्योंकि मैं एंड्रॉयड पर कर रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर वीडियो लोकेशन के नाम पर एक आइकन है, और अगर वहाँ पर आप टैप करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो क्या होगा मैं बता देता हूँ, वो रहा होगा इंडिया, क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैं सर्च करता हूँ तो देखिए हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंट्री जो है वो इंडिया में रहता है या कोई भी नहीं रहता है। ठीक है ना, अगर नहीं भी रहता है तो भी इंडिया ही माना जाएगा, क्योंकि जो YouTube का एल्गोरिदम है वो इंडिया ही मानता है। तो
तो अगर आपका इंडिया में रहेगा तो आपका क्या होगा, आपका जो ऐड है वो फ्लिपकार्ट मतलब कुछ स्नैपडील जैसे कि इंडियन ब्रांड है, मतलब कोई भी एक इंडियन एड्स होगा और उसका जो CPC तो है आपको पता ही है कितना मिलेगा, 0.01 से 0.05 तक ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, वो जो इंडिया है उसे मिटा देना है और सिंपली यहाँ पर टाइप करना है USA, क्योंकि USA का एड आपको पता ही है इतना ज़्यादा होता है। और यहाँ पर हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब मैं USA सर्च किया तो यहाँ पर USA का लोकेशन आ गया है। और एक बात ध्यान रखना, आप इस मैप में कोई भी करना मतलब कुछ भी टच ही मत करना उस मैप पर, बस USA लिखे, सर्च किए, USA आया देख लिए, उसके बाद आपको जो है वहाँ पर सेव कर लेना है। ये देखिए मेरा जो है सेव हो चुका है, और यहाँ पर अगर फिर से हम टैप करेंगे तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट कंट्री है था इंडिया वो अब नहीं रहा, वो अब रहा यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो आगे इसके बाद मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो ऑटोमेटिकली जो है USA का एड ही शो करेगा, और USA का शो मतलब एड शो करेगा, अगर उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो हमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है। नज़र पड़ जाइए, मान लीजिए इसके बाद तो आपको सभी मतलब जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे उसे USA का एड शो करेगा, लेकिन आपका जो पुराना वीडियो है उसमें कैसा USA का शो मतलब एड जो शो करेगा, उसका भी एक ट्रिक है। तो मान लीजिए ये मेरा एक पुराना वीडियो है, मैं यहाँ पर एडिट पर जाता हूँ, आप भी ऐसा ही करिए, कोई भी एक पुराना वीडियो जितना भी है उसका एडिट पर जाइए, और एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आया है, और वहाँ पर आप एडवांस सेटिंग पर क्लिक करिए, और देखिए एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारे मतलब जो है कैटेगरी जो है खुल गया है, और वहीं से आप इसे ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए वीडियो लोकेशन जो है वो कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि मेरा जो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली USA टाइप करना है, और उससे जो है उससे सर्च करना है। और याद ये देख सकते हैं आप, मैं सर्च किया USA को, और देखिए ये USA का जो है लोकेशन आ गया यूनाइटेड स्टेट। और जैसे कि मैं पहले बोला था कोई मैप में कोई भी चेंज मत करना, और बस सर्च होने के बाद यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है आपको, ओके। यहाँ पर देखिए सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया, और मैं देखता हूँ ये देखिए ऑल चेंजेस सेव्ड हो गया, तो फिर से मैं बैक चला गया। तो इसी तरह आपका पुराना वीडियो में भी आप जो है आपका जो एड टाइप है उसे चेंज कर सकते हैं लोकेशन। तो इसमें से ये होगा कि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो सोचेगा कि आपका जो वीडियो है वो USA से बिलोंग करता है, और वो इस टाइप का ही एड दे शो करेगा आपका वीडियो पर। और अगर कोई भी एक आपके वीडियो में वो एड को क्लिक करता है तो आपको जो है 0.01 जो CPC मिल रहा था मतलब कॉस्ट पर क्लिक, उसके बदले आपको $1 का कॉस्ट पर क्लिक मिल सकता है। मतलब सोचिए एक क्लिक पर $1, 100 क्लिक पर $100, मतलब अगर आपका एक वीडियो ही आपके पास जो है $100 ला सकता है। तो इसी तरह आप भी अपने सेटिंग पर चेंज कर सकते हैं, ये लीगल है, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह देख सकते हैं आप कि अगर आपके पास 5 व्यू है और 5 एड पर भी कोई क्लिक करता है तो आपको तकरीबन $5 के आसपास का जो है प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका $1 भी नहीं आता है तो मतलब 0.50 को जो डॉलर है वो तो आएगा, ऐसा नहीं कि $0.01 या 0.01 से लेकर $0.05 तो नहीं आएगा। तो ये था एक हिडन सीक्रेट आप बोल सकते हैं उसे। तो इसी तरह बहुत सारे यूट्यूबर जो है मतलब दो तरह का हम आदमी होते हैं, एक जो है बहुत ही मेहनत करते हैं और दूसरे जो है बहुत ही स्मार्ट वर्क करते हैं। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पर यही डिफरेंस होता है, मतलब आप 100 वीडियो बनाइए लेकिन आपका जो है CPC अगर लो रहा ना तो आपका जो है इनकम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी ट्रिक से आप जो है आपका CPC को बढ़ा सकते हैं और आप बहुत जल्द ही आपका जो है इनकम बढ़ा सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ही फ्री है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा जो सब्सक्राइब के साइट में एक बेल का आइकन है उसे भी टैप कर दीजिए। इसमें से ये होगा कि मैं जब भी जो वीडियो मतलब अपलोड करूँगा मेरे यूट्यूब पर, आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा। ओके, पूरे वीडियो वॉच किए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।